वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ बेटर देन द ओरिजिनल। आज मैं और नीरज बनाने वाले हैं समोसा। मैं तो रणवीर ब्राड की वीडियो से बहुत ही मोटिवेट होके आई हूँ, बहुत कुछ सीख के आई हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी फॉलो करने वाली हूँ आज। तो पहला स्टेप बहुत ही सिंपल है। पहले स्टेप में हम बनाएंगे डो। डो के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा मैदा, काफी सारा पानी। जो हम समोसा बना रहे हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि जो मेरा समोसा है वो है आलू पनीर समोसा। आलू तो वो जो उसका ओरिजिनल फ्लेवर आलू वाला वो मैं रहने दूंगी, लेकिन उसमें मेरा डैश ऑफ पनीर होगा। सर टेल मी अबाउट योर समोसा। मेरे समोसा बहुत सिंपल है यार, ऐसा जो बेसिक समोसा था वो बनाऊंगा, बट मैं कभी कोई सीधी चीज करता नहीं, तो मैंने उसी के साथ दो तीन समोसे के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट लाया हूं, जो मैं बिना नूडल्स के बनाऊंगा, चाइनीज समोसा। वो बस दो ही बनाएंगे क्योंकि वो बुरे हो सकते हैं, तो हो सकता है वेस्ट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, हमारे समोसे आज जज करने वाले हैं नन अदर देन मिस्टर अंतिल। अंतिल भाई कर रहे थे तो छोले समोसे बनाने चाहिए थे भाई। वो 10 में से 20 नंबर दे देते यार। छोले समोसे अच्छे भी लगते हैं भाई मुझे। मैंने पहले सोचा भी था मैं अनशन समोसे बनाता हूँ ये सब, फिर मुझे लगा बहुत मेहनत है, तो मैंने कहा नॉर्मल करते हैं और थोड़ा सा करनी है तो फिर चाइनीज सारी कर लेंगे। यार प्रॉब्लम इज मेरे नाखून यार, मैं कैसे बनाऊंगी आटा यार। आई डोंट नो ब्रो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आज। मेरे घर मम्मी को लगता है कि ये लोग सिर्फ मुझे दारू पीने बुलाते हैं, तो आज मैं कुछ अलग कर रहा हूं। मम्मी को लगा कि अरे वाह कोई आएगा घर में। अच्छा और नीरज कहां है आज? ऑफिस गया। हां हां समोसे बनाने गया है। जो समोसे का डो होता है ना उसमें भर भर के तेल डलता है, तभी अच्छा बनता है। तेल डाल रहे तू? ये तेल डाल, मैं तेल लेने आऊंगा। मैं पंजाबी समोसे बनाऊंगा तो मैं लाया हूं घी। यार ये तो गांठ बन गई है यार, ढंग से करना था ना, कुछ नहीं आता तुझे यार। आई थिंक मुझे थोड़ा और तेल डालना पड़ेगा। इसी बात पे मैं भी नीरज तू ऑलरेडी बहुत घी डाल चुका है इसमें। अब पंजाबी समोसे, अब ये जो भी खाएगा ये अपने रिस्क पे खाएगा। मैं एकदम हेल्दी समोसा बना रही हूँ, सो दैट हेल्दी। देख सुन प्यार, समोसा कभी हेल्दी नहीं हो सकता। समोसा हेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है? समोसा हेल्दी होगा तो वो समोसा नहीं है। ओ पानी बॉटल गया, शिट, ओ शिट। It's okay, होता है, वो मिल जाएगा, ज्यादा नहीं है। मेरी मम्मी ने ना ये बोला था कि थोड़ा हार्ड होना चाहिए ये आटा, तेरे भाई मुझे कहीं से हार्ड नहीं दिख रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा है ना। हम अंतिल के लिए बहुत प्यार से समोसे बना रहे हैं आज, है ना। मुझे भी लग रहा है, नोएडा से मुझे गुड़गांव बुलाया। बहुत कुछ बाकी है हमारा, ये सिर्फ पहला स्टेप। खड़े खड़े मेरी पीठ भी दर्द हो गई थी यार, देखो तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। अभी हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है मसाला बनाना। और दूसरा स्टेप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? टाइम टू मैश दिस। मुझे पता नहीं वो गाना याद आ रहा है, जब तक रहेगा समोसे में आलू। तूने नहीं सुना? ये कोई गाना क्या है? बात कर रही है, हर शालू ने सुना होगा ये। अभिजीत की तरफ से आई अपोलोजाइज ऑल द शालूस। ओ मेरी शालू। सो गाइस व्हाइल द डो इज रेस्टिंग वी विल मेक द मसाला। मैश द आलूस फर्स्ट, ओके? अबे आलू आलू मैश नहीं करने, मैं डायरेक्ट काट दूंगा, तो टेंशन मत ले। बट मैं फिर भी मैश करूंगी, क्योंकि कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए नीरज से। तुमने कहां सबसे अच्छा समोसा खाया, सबसे बढ़िया स्वाद? पता नहीं, मैंने एक बार लखनऊ में खाया था, कोई हलवाई है जो फेमस है वहां पे, और उसका समोसा भाई किलर। तूने भी क्या ऐसा किया है, तोड़ के सारे आलू बाहर निकाल के जो मीठी चटनी होती थी उसका पापड़ सारा समोसे का जो क्रिस्पी होता था वो खा लेती थी। आई थिंक यू वर द वियर्ड वन। आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपने भी ऐसा किया है। मेरे आलू हो गए मैश और मैं अभी अपने अगले स्टेप पे जा रही हूँ। आलू इतने मैश नहीं करने थे वैसे, सर मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार। आई एम जस्ट जोकिंग। दिस इज जिंजर, दिस इज गार्लिक, जैसे आप प्यार से जानते हैं लहसुन। हमसे गलती हो गई, तेरे से हुई होगी, मेरे से क्या? समोसे के डो में नमक डाला था। तू टेंशन क्यों ले रही है, अभी डो को निकालेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर थोड़ा लेट इट रेस्ट फॉर लाइक 10 मोर मिनट्स। सारे क्रू को खांसी आने लग गई है, मैंने इससे बहुत धुआं उड़ा दिया। दिस इज माई स्पेशल इंग्रीडियंट विच इज गोइंग इन साइड एंड दिस इज पनीर। अब डल रहा भाई का स्पेशल इंग्रीडियंट, चम्मच गिर गया। स्पेशल इंग्रेडिएंट चम्मच नहीं था, काजू बादाम पिस्ता बटर सेब। घी में पहले फ्राई करते हैं।
सब हो जाएगा, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी इसमें डालेंगे और घी, हम टेंशन क्या है? किसमें थोड़ी ज़्यादा डल गई यार। सब ठीक है यार। हाँ, आलू कब डालेगा? किरीशा माय फ्रेंड, कुकिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। जस्ट लुक एट द कलर ऑफ माय आलू का मसाला यार, जस्ट लुक। पनीर पूरा ले गई, कितनी गंदी इंसान है भाई। इट इज माय इंग्रेडिएंट ब्रो। ठीक है, आई थॉट दिस इज नॉट अ कंपटीशन किरीशा, बट तूने मेरी छोटी सी आंखें खोल दी। इट वाज ऑल अबाउट कंपटीशन माय बॉय। आई जस्ट वांट टू टेक अ बाइट। Genuinely अच्छा है, बट थोड़ी मिर्ची है। Would you like to try my aloos? No, पहले मैं सोचना, अभी टाइम है, हमारे पास, हम फटाफट वो कर लेते हैं। खाना तो हम तो वैसा ही आ रहा है यार। हम नमक डालना गए थे भूल। तो हम उसके डो के जो प्रॉपर बन चुका है उसके ऊपर हमको नमक डालना पड़ रहा है। मेरी मम्मी ना मुझे घुसने नहीं देती, मतलब पता नहीं, मैं तो मम्मी को देखो समझा रहा हूँ, थोड़ी गंदगी तो ये किचन में थोड़ी गंदगी नहीं हुई तो लगता नहीं खाना बनाया, और ज्यादा ही गंदी होगी कि मतलब फटवट गया, कुछ दीवार पे चिपक गया, तो अर्बन कंपनी वाले को बुलाएंगे, साफ करवा के भेज देंगे, मजा आ जाएगा फिर तो। और भी एक बार आलू देख लो, आलू फैन बन जाओगे, मतलब इतने प्यारे आलू। एंड माइन, तेरे तो लग रहे वैसे हलवाई जैसे, बट आई डोंट नो, चल ठीक है टेस्ट करते। नाइस, बट स्पाइसी कम है। इसका अच्छा लग रहा है यार, फॉर अ चेंज, देखने में टेस्ट करके पागल हो जाएगी तू। गॉड, वाओ। अभी हमारा फाइनल 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 वाला स्टेप। एक सेकंड गिरीशा, आई थिंक आप एक ही टाइप के समोसा दे रही हैं, मेरे पास एक और टाइप का समोसा, सो आई विल जस्ट वर्क ऑन दैट। मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे हॉट गार्लिक सॉस और बनाएंगे अ परफेक्ट अमालगमेशन ऑफ पंजाबी एंड चाइनीज समोसा। हम अपने फाइनल स्टेप पे हैं और हमको भी रोटी बेलनी है, उसके बाद उसका शेप काटना है समोसे का। या आई जस्ट नो कि इसके छोटे छोटे वो बनाने होते हैं, तो मैं वो बना रहा हूँ। कितने बड़े बड़े बनाए हैं ये समोसे, बनाएंगे ना बड़े से। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही चकला और बेलन है। मुझे ये आता नहीं है वैसे, बट मैं कोशिश। पहली बार रोटी बेल रहा ना। पीछे ना थोड़ा, हाँ बीच में। अब इस पे पानी लगा, इस पे पानी लगाएंगे और इसको थोड़ा सा चिपकाएंगे ताकि उसके अंदर तेल ना जाए। अभी हमें इसको इसके अंदर आलू बनाने हैं। आई थिंक क्रस्ट टू आलू रेशियो बेस्ट कितना होना चाहिए पता नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा इतना भी ना हो जाए कि ओवरडू हो जाए। मुझे ऐसा लगता है अगर फिलिंग ज्यादा होगी बहुत स्वाद लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब फिलिंग इतनी होगी कि बंद नहीं हुआ तो मुझे वो टेंशन है। पहला समोसा रेडी। गिरी यार, तेरा समोसा समोसा जैसा लग रहा है यार, मेरा समोसा देखिए यार, दुखी सा लग रहा है यार। बस ये खुलना नहीं चाहिए जैसी कढ़ाई में जाए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि हमारा डो थोड़ा गीला है, मतलब मेरा नॉट हमारा, तूने तो किल कर दिया वो समोसे में। गिरी क्या तू मेरे लिए समोसा भरेगी क्या? ऐसा कुछ कर दे कि ये भर के ऐसा ना समोसे जैसे लग जाए। ये क्या बनाई है, समोसी? अब यही बन रहा तो क्या करो यार। इन द एंड आई हैड टू कम। देखो बन गए तीन समोसे, तीन में से एक बना है मिनी, तो मेरे बने हैं ढाई। मेरे और गिरीशा के समोसे इतने अलग हैं कि मतलब हम दोनों साथ में समोसे डालेंगे तो पहचान सकते हो कि मेरे समोसे क्या है, क्योंकि उसके समोसे समोसे लग रहे हैं, मेरे समोसे लग रहे हैं कि मेरे समोसे भांड है। आराम से डालियो, ऐसे एकदम ऐसे 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 मत करना। ये अब मैं भी डाल रही हूं। ऐसे कोने में ले जाने का, आई एम शिट स्केयर्ड, और ऐसा छोड़ देने का। ओए बीच में नहीं गया वो, पूरा चला जाएगा, चला जाएगा। टिश्यू नहीं है हम पे, ये ले ये समोसा और ये पी के टून, ये ना अब तो समोसा लग रहा है वैसे, पहले नहीं समोसे जैसी खुशबू नहीं आ रही है। तू अबे यार तू ये मत कर यार, घी निकलेगा तेल इससे। गरम गरम चाह ते डुल गई। तो अभी हम बुलाते हैं अपने श्री श्री अखिल यादव।
आपके लिए मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि आप इसमें जज बन के आते रहते हो और पता नहीं क्या करके जाते हो। सच्ची बताऊं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखने में समोसे अभी तक गिरीशा के बेटर लग रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। और भाई, ओह माय गॉड, वाह। आउटर लेयर प्लस आलू की रेशो होती है, वो रेशो भी परफेक्ट लग रही है। चटनी लगा के चाय के साथ पियो, ये क्या होता है? जो देखने के बाद और फील करने के बाद समोसे लग रहे थे, टेस्ट में उसे मैच नहीं कर पा रही है। तुमने मसाले बाद में डाले थे पकाने के? नहीं, इतना तो स्वाद है। इट इज अ गुड समोसा बट नॉट अ ग्रेट समोसा। नीरज, तूने बहुत तरह तरह के समोसे। दिस वन इज चाइनीज, दिस वन इज नॉर्मल, ऑल्दो इट डजंट लुक नॉर्मल बट दिस इज नॉर्मल। ब्रेड पकौड़ा खाया अपने स्कूल की कैंटीन में? ये ब्रेड पकौड़ा लग रहा है बिल्कुल, इसकी फील भी वही वाली है। बिना ब्रेड के ब्रेड पकौड़ा बनाना टैलेंट है, ठीक है? चलो अब देखते हैं। तूने नमक नहीं डाला? क्या बात कर रहे हो बे, नमक डो में भूल जाऊंगा, इसमें तो डाला था शायद। तूने इसके अंदर नमक नहीं डाला, तेरे आलू बहुत ही गजब है। आई नो, यस। ये चाइनीज समोसा, क्रंची। आई नो मैन, आई नो। ओए होए होए, क्रंच। मैं इतना घबराता हुआ आया था यहाँ पे खाने के लिए कि मुझे तो समोसों से इतना प्यार है और वो प्यार आज कुर्बान हो जाएगा इन दोनों की वजह से। बट दिस इज एक्चुअली अमेजिंग यार। एंड आई टेल यू द बेस्ट पार्ट, ये मुझे कहीं वीडियो में नहीं आया, ये मैंने सोचा कि ऐसा बना सकते हैं और मैंने बना दिया। आज बेटर देन द ओरिजिनल के एपिसोड का विनर वो है गिरीशा। ये बिक गई है गवर्नमेंट। तूने बहुत अच्छा बनाया था लेकिन बिकॉज लैक ऑफ नमक वो वाला स्वाद नहीं आ पा रहा। हमारे घर में बीपी के पेशेंट भाई, हम नमक कम रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट डाउन बिलो एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द अर्बन गाइड। हमें ये भी कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट बेटर देन द ओरिजिनल कौन सी चीज का करें। यस, बट अच्छा बनाया है, मेरे को तेरे से तो तेरा पिज्जा देखने के बाद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं दिया क्या? बहुत सही है यार, तुम्हारा भी बढ़िया।